हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि, शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और भोले बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, आप देख सकते हो मैंने भी फेस पे अपने कुछ भी नहीं अप्लाई किया, जस्ट मैं नहा के एंड बिंदी लगाया था, बस पूजा पाठ किया और मैंने फेस पे अभी तक कुछ भी अप्लाई नहीं किया। आपको थोड़े थोड़े मेरे डार्क सर्कल भी दिख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है कि मेकअप से आप डार्क सर्कल को हाइड कैसे करोगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपने फेस पे CTM कर लिया है। CTM का वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक अलग से भी CTM का वीडियो अपलोड कर दूँगी। मेकअप से पहले CTM करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है, देन ये दिन का मेकअप है तो मैं अपने स्किन पर सनस्क्रीन भी मैंने अप्लाई कर दिया है। और उसके बाद मैं आपको अपने जो मेरा फेस पे जो भी, वैसे तो मेरे फेस पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ये एकदम नेचुरल कैमरा है, बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं है मैंने, बल्कि थोड़ा सा जो ब्राइटनेस है उसको कम भी किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखे मेरे फेस पे जो भी प्रॉब्लम है वो चीज़। मुझे थोड़ी सी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। तो डार्क सर्कल को हाइड कैसे करते हैं वो मैं बताने वाली हूँ आपको। ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है, स्विस ब्यूटी अल्ट्रा बेस कंसीलर पैलेट है ये, कवर स्टूडियो ये मैंने मंगाया था, हुडा ब्यूटी सॉरी ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आप देख सकते हो। तो इससे मैं अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करके दिखाऊंगी। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट, अगर आप ये 0.2 इसका नंबर है, अगर आप चाहो तो स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लगता है एंड सारी चीज़ें इसके बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अदर प्रोडक्ट मेकअप के स्विस ब्यूटी के बहुत ही अच्छे हैं, तो मैंने ये स्विस ब्यूटी का मंगाया था। तो इसमें इस टाइप के कलर दिए हुए हैं खूब सारा, आप इसमें कलर करेक्टर की जगह पर ये ऑरेंज वाला शेड भी यूज कर सकते हो। तो फेस पे जो जो करना चाहिए CTM में मैंने कर लिया है, मॉइस्चराइजर कर लिया है। मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फेस के लिए, तो मैंने लगाया था, कुछ टाइम बीत चुका है लेकिन मेकअप अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं ये मैंने आयुर का एक सेकेंड तो ये मैंने आयुर का मॉइस्चराइजर लिया था, बहुत ही अच्छा है ये वाला मॉइस्चराइजर, हर्बल है एंड रिच इन विटामिन ई फॉर ऑल स्किन टाइप है। सबसे अच्छी बात की ऑल स्किन टाइप है, ये आपके pH बैलेंस को कंट्रोल करता है एंड आपकी स्किन अच्छी रखती है। बट मैं मुझे दो चार दिन हुआ है तो मुझे मतलब ठीक है, ये मिला जुला के सब ठीक है ये वाला मॉइस्चराइजर, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर है आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल में ये वाला यूज़ कर रही हूँ, इतना सा लिया है। अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए, मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज मैं बताऊंगी आप मेकअप से कैसे अपने डार्क सर्कल्स को और डार्क स्पॉट्स को हाइड करोगे, देन स्विस ब्यूटी कंसीलर पैलेट से, स्विस ब्यूटी कलर कंसीलर पैलेट से मैं अपने डार्क स्पॉट्स को हाइड करके दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगा लिया है, देन हुडा ब्यूटी का ये प्राइमर है, हुडा ब्यूटी का ये प्राइमर भी बहुत अच्छा है। तो प्राइमर ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों को ज़रूरत होती है इसकी, बट आप मेकअप कर रहे हो तो प्राइमर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का, तो प्राइमर आप ज़रूर लगाइए, जहाँ पे भी ओपन पोर्स हो तो वहाँ पे आप प्राइमर अप्लाई कीजिए, अच्छे से ब्लेंड कीजिए इसको। प्राइमर अभी तक मैंने लैक्मे, स्विस ब्यूटी, हुडा ब्यूटी एंड सेवन सीज का यूज किया है। सेवन सीज का भी प्राइमर बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ हो जाती है उसको लगाने के बाद से स्किन। तो ये मैंने प्राइमर लगा लिया, प्राइमर अप्लाई करने के बाद से आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ना है ताकि आपकी स्किन में अच्छे से मतलब ब्लेंड हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए स्किन में। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक सेकेंड मैं पहले शीशा ले लेती हूँ, क्योंकि कैमरे में उतनी फिनिशिंग नहीं दिखती है किसी भी चीज़ की। तो अभी मैं अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगी, जो इसमें ऑरेंज कलर का शेड है इसको आप कलर करेक्टर की जगह पे यूज कर सकते हो। कोई भी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हो उसको हाइड करने के लिए आप कलर करेक्टर सबसे पहले यूज करोगे। तो मैं अपनी फिंगर का ही यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह से अप्लाई कर सकते हो ऑरेंज वाला शेड लेके, जहाँ भी आपको स्किन में दिक्कत है वहाँ पर आप ये ऑरेंज वाला शेड अप्लाई कर दोगे।
मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स हैं, देख सकते हो, इस पर भी लगा लेना है। आप ये लिप्स के अराउंड मतलब चारों तरफ अगर ब्लैकनेस है तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपके स्किन में मतलब डार्क स्पॉट्स है, जो भी आपको हाइड करना है, वहाँ पे आप ये ऑरेंज वाला शेड अप्लाई कर दोगे। तिल है जो भी है उस पर आप अच्छे से इसको लगा दोगे। इसके बाद आप अपने स्किन से मैच करता हुआ कंसीलर अप्लाई करोगे। तो इसमें मेरे स्किन से मैच करता हुआ ये वाला शेड है, तो एक सेकेंड, ये वाला शेड है, सॉरी। कैसे पता करोगे कि आपकी स्किन का शेड कौन सा है? तो आप अपने हाथों पे पहले इस तरीके से अप्लाई करके देखो, ये एकदम मेरा शेड है तो मैं यही अप्लाई करूँगी अपनी अपनी स्किन से। एक दो शेड लाइट कलर आप यूज कर सकते हो, इसको ब्लेंड करने पे एकदम मेरे स्किन में मैच हो जाएगा। तो मैं ये वाला शेड अपना अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, ये वाला। ओके, आप देख सकते हो ये मेरे स्किन से काफ़ी मिलता जुलता है। तो जहाँ जहाँ आपने डार्क सर्कल पर अपने ये सब अप्लाई किया था कलर करेक्टर, वहाँ वहाँ आप इस कलर को मतलब कंसीलर को अप्लाई कर दोगे। और सबसे अच्छी बात की सीस ब्यूटी का जो भी ये कंसीलर पैलेट है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर लेना। मैं खुद का मेकअप करते वक्त फिंगर से ही कर लेती हूँ, आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से ये ब्लेंड भी हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, और आपके मेरा डार्क सर्कल एकदम अच्छे से हाइड हो चुका है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना है। आप जब ये सब कंसीलर वगैरह आप अप्लाई कर लेते हो तो बहुत ज़रूरी पार्ट है कि आप इसको सेट करो कॉम्पैक्ट पाउडर से। हर चीज़ अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें। आप देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल अच्छे से हाइड हो चुके हैं। तो आप भी कोई कलर करेक्टर कंसीलर पैड्स लेना चाहते हो तो आप सीस ब्यूटी का ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है। अब इसके बाद से मैं अपना लैक्मे 925 का पाउडर, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, वो यूज करूँगी अपने फेस के बेस को सेट करने के लिए। ओके, ये देखिए मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज किया है और इसकी हालत आप देख सकते हो। ब्रश मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का लिया है। हाँ, मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप ओलिविया पेनकेक से मेकअप बताओ, तो फिलहाल में तो बियर मेरे पास है नहीं, बट अगर मैं ले लेती हूँ तो ज़रूर अपलोड कर दूँगी वीडियो उसके साथ। सेम प्रोसेस होता है जैसे हम लोग कंसीलर यूज करते हैं वैसे ही ओलिविया पेनकेक से भी आपको अपना मेकअप करना है। ये देखिए मैंने क्या हालत कर दी है लैक्मे 925 की पाउडर की। तो ये मैंने अपना डार्क सर्कल पूरा अच्छे से हाइड कर लिया है। अब सिंपली आप लिपस्टिक लगा लो, अगर इतना ही रखना है तो ठीक है, अदरवाइज आपको पूरा मेकअप करना है तो आप पूरा मेकअप भी कर सकते हो। तो आज मैंने मेरा टॉपिक था कि डार्क सर्कल को कैसे हाइड करें, तो इस पर मैंने आज वीडियो बनाया था, तो आप देख सकते हो।
चलिए मैं लिपस्टिक लगा के फिर बात करती हूँ आप लोगों से। तो देखो कि ये मेरा डार्क सर्कल अच्छे से हाइड हो चुका है। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप थोड़ा सा ब्लशर ले लो, देन जो आपकी स्किन से मैच होता हो वो कलर लेके हल्का हल्का एकदम लाइट कलर सा आपको जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कम लग रहा है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दिन का दिन में अगर आप कहीं निकल रहे हो तो हाईलाइटर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। मेकअप में कुछ भी दिक्कत आती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाय बाय।